हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती इज इन लाइफ। और मॉर्निंग का समय है और आज बॉम्बे में हमारा सेकंड डे है और अब हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ पे मैं अभी नहीं बताती, अभी बताऊंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि जितने भी मेरे नए वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये जैसे आप देख रहे होंगे ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बिल्कुल एकदम गर्दन बिल्कुल झुका के देखनी पड़ती है। और ये आगे बैठे मेरे हस्बैंड। मुंबई का ट्रैफिक तो बस उफ इतना ज़्यादा रहता है कि बता नहीं सकती। थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल ट्रैफिक और सिग्नल होकर गाड़ी स्टॉप हो ही जाती है। अभी हम पुल पे से जा रहे हैं, बहुत ही आज अच्छी जगह जा रहे हैं, आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अब हम लोग आ चुके हैं इंडिया गेट और इंडिया गेट से वहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। नहीं, हम घूमने नहीं जा रहे समुद्र में, हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा। और हम लोग सब लोग शिप में बैठ चुके हैं। ये धीरे 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 जैसे शिप आगे बढ़ रही है थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और बिल्कुल ये सामने आपको बिल्डिंगें दिख रही होगी और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। चीकू मेरी बेटी, त्रिशा मेरे हस्बैंड, और भी हम लोग गए थे साथ में, दो कपल्स और गए थे, मतलब सारी फैमिलीज गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी। और ये शूट कर रही थी मैं कि सब कुछ अच्छे से दिखा सकूँ, बता सकूँ। और पीछे जैसे जैसे जा रहा था ना, थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि ऊपर आसमान और नीचे पानी। और ये पीछे पीछे आपको दिख रही होगी मल्टी, बिल्कुल सारी बिल्डिंगें बनी हुई जो बिल्कुल एकदम धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। और आप नीचे भी देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये देखिए पानी कुछ दूर, बहुत दूर दिख रहा होगा एक शिप। और ये देखिए हम लोग कितनी दूर आ गए बिल्कुल, और पानी ही पानी दिख रहा चारों ओर। और बिल्कुल ऐसे ऐसे जब ऐसा ऐसा होता है ना, थोड़े जो किलोरे मारता है तो कितना डर लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। और ये देखिए बर्ड्स वगैरह पक्षी उड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था। और ये जो आपको शिप दिख रहा होगा ये सामने, बिल्कुल जब ऐसा जब दूर लगता है तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी चीज, लेकिन पास में आके देखोगे ना तो इतना बड़ा जहाज लगता है कि उसमें सारी चीज़ें रहती है। और ये भैया जब शिप चला रहे थे तो उनका भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। ये मेरे हस्बैंड वहाँ बोले थे कि चलो फोटो क्लिक करवा लेते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब देखिए सामने आपको बिल्डिंग ये दिख रही है, बिल्कुल धुंधली धुंधली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ समुद्र के बीचों बीच इतने सारे जहाज, इतने सारे शिप, छोटी नाव, इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे दूर से कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल छोटे, लेकिन जब पास में जाते हैं और पास में जब उनको देखते हैं ना तो इतने बड़े बड़े उसमें क्रेन वगैरह सारी चीज़ें रहती है। और ये सब लोग बैठे हैं, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये शूट करिए। ये ब्यूटीफुल व्यू आपको जो दिखाई दे रहा होगा। हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और इन्हें प्यास, पानी की प्यास लग रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और हम लोग टॉप
ऊपर बैठे थे, टॉप फ्लोर पे बैठे थे और नीचे भी थे। और ऊपर का चार्ज अलग लगता है, अगर आप कभी भी जाओ शिप में तो ऊपर चार्ज अलग लगता है थोड़ा, और नीचे थोड़ा कम लगता है। और ये देखिए वो जो दूर से दिखाई दे रहा था आपको जो शिप, देखो उसमें क्रेन वगैरह उसमें इतना ज़्यादा लोडेड और इतना बड़ा था, लेकिन दूर से बिल्कुल एक छोटू सा दिखाई दे रहा था। ऊपर क्रेन वगैरह कितनी सारी रखी और कितना भारी है, पर दूर से बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा था। और ये जो आपको सामने दिख रहा होगा ये रिलायंस का पुल है, ये मुकेश अंबानी का उन्होंने बनाया हुआ है, ये रिलायंस का है। और भी समुद्र में ये जो दिखाई दे रहा था, बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे देख रहे थे कि ये क्या है क्या नहीं, पास से दूर से नहीं पता चलता, पास आके पता चलता है। इसे किसी चीज़ से बिल्कुल रस्सी बंधी हुई है जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो शिप पे बैठना चाहिए और इसका एक्सपीरियंस भी देखना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। और ये हम लोग पहुँच गए हैं एलिफेंटा, ये वहाँ की कुछ फ़ोटो जो मैंने आप क्लिक करी थी ये दिखा रही है। वहाँ शिव मंदिर है और ये पुरानी बनी हुई शिव मंदिर और कुछ मूर्तियाँ हैं। और ये मेरी बेटी फुल इंजॉय करते हुए फ़ोटो क्लिक करवा रही है। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, ये पूरा एलिफेंटा हम लोग पहुँच चुके हैं एलिफेंटा। और ये महाशय को देखिए वहाँ पे, वो फेंटा पी रहे क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसे भी थोड़ा सा क्लिक कर दिया। और ये कोई भी हो चाहे इंसान हो जानवर, अपने बच्चों को बहुत ही माँ प्रोटेक्ट करती है। एक छोटा सा मंकी था, उसकी मम्मी बिल्कुल उसे ले रही थी। और जब ये वापस लौटने का व्यू है, जब हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, ये देखिए मेरी बेटी बैठी है काव्या, अनवी, प्रीशा, और पीछे ये लोग क्या कर रहे थे, ये आपको जितने भी ये बर्ड उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग कुरकुरे चिप्स वगैरह जो खा रहे थे ना, वो बच्चे उनको दे रहे थे। तो ये बिल्कुल सिर के ऊपर इतने पास दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल उड़ रहे थे और हाथ में से ले लेके खा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। बच्चे खा कम रहे थे और इनको बिल्कुल ऊपर से ऐसा ऐसे करके खिला रहे थे पक्षियों को, तो वो बिल्कुल हमारे ऐसा बिल्कुल सर पे बिल्कुल पास में ऐसा लग रहा था। ये देखिए अनवी को देखिए, बिल्कुल हाथ में चिप्स लेके चीकू, अनवी, काव्या, प्रीशा, ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल वो था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शाम होने को आई थी, 4:30 बज गए थे क्योंकि 5 बजे आखिरी वो रहती है शिप रहती उधर से निकलने के लिए एलिफेंटा के लिए। और पीछे भी एक शिप आ रही थी, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके शिप आ रही थी। और ये देखिए बच्चे इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे हम लोग भी, और मैं इतना प्यारा मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसे कैमरे में बिल्कुल कैप्चर कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पानी बहुत ज़्यादा एकदम खारा और हवाएं जो चल रही थी ना एकदम ठंडी ठंडी, तो गाल और स्किन में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी। और प्यास, पानी की प्यास तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। चीकू पानी पी रही है और बॉटल मुझे देने आ रही है, और त्रिशा वहाँ से हाय कर रही है। चीकू बोली थी मम्मा आप कब पहुँचेंगे, मैंने कहा बेटा बस अब जल्दी से हम लोग
इंडिया गेट पे पूछने ही वाले हैं। ये पास में एक और दीदी बैठी थी, उनका बेबी था, वो भी खा कम रहा था और पक्षियों को बिल्कुल ज़्यादा दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए आप, ये चिप्स वगैरह सब उनको खिला रहे थे, वो पूरा इंडिया गेट तक हमारे साथ ही आए। होटल ताज इंडिया गेट पे हम पहुंच चुके हैं, वहाँ से उतरे और ये शाम का वक्त था, इतने ज़्यादा लोग थे और सारा टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी। लेकिन है ना, वहाँ पे नियम बहुत ज़्यादा थे, सबको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फाइन हो रहा था। ये है चीकू जो थक चुकी है बहुत ही ज़्यादा, और ये जो सामने रेड रेड कलर की ड्रेस पहनी जो दीदी दिख रही थी, उनका एक प्यारा सा डॉगी था। चीकू बस बार बार, मम्मी मेरे को उस डॉगी को खेलना है। ये सामने आपको ताज दिख रहा होगा और ये रहे चीकू का फेवरेट।